नेक्स्ट जन्मदिन आने वाला मेरा पिछला वाला बहुत पुराना हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मेमोरीज रही आपको जन्मदिन के लेकर, और किसने सबसे पहले विश किया था, और क्या सरप्राइजेस मिले हैं इस जन्मदिन पर आपको? एक्चुअली कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं जन्मदिन के दिन आई वॉज इन थाईलैंड और 1.5 घंटे का वो था, और जब तक इंडिया में 12 बजे तब तक हमारे वहाँ पे 10 बज गया था, जब वहाँ पे 12 बजा था तो यहाँ पे शायद 2:30 बज गया था। बहुत कंफ्यूजन था, तो हैप्पी बर्थडे हमने कहा अच्छा आ जाए, बोले हमने कहा हो गया, तो ये टाइम में सिर्फ 1.5 घंटे में, जब और कहीं किसी कंट्री में होते तो चलो 2 दिन का हो जाता बर्थडे, और उसके 1 दिन पहले आई वॉज एट द एयरपोर्ट पूरा दिन, बिकॉज 2 दिन पहले दिवाली थी, और दिवाली में मैं कलकत्ता से, क्योंकि बैंकॉक कलकत्ता से 2 घंटे की फ्लाइट है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो मैं यहाँ से पहुँचता हूँ, फैमिली को बोला तुम लोग आ जाओ उधर ही, बढ़िया सी फूड खाते हैं और खाना खाएंगे अच्छा, और बर्थडे मनाएंगे, और थाई फ्लाइट ही कैंसिल हो गई उस दिन। मैं दिवाली मैंने अकेले मनाई सोलो एयरपोर्ट पे कलकत्ता में, कोई भी नहीं था, ऐसी दिवाली मतलब दिया क्या, ना दिया ना लिया, कुछ भी नहीं हुआ, अकेले बैठे बैठे दिवाली बनाई लाउंज में कॉफ़ी पीते पीते। सो लेकिन अब लगता है कि मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है आज। अभी ये खत्म हो जाए तो फिर मैं मेमोरी देखूंगी कि कौन सा अच्छा था, तो ये वाला तो बहुत अच्छा है, और बर्थडे और भी हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे। एक बार मैं लता जी के साथ गा रहा था और मेरा बर्थडे था उसी टाइम स्टेज में, हमने मनाया बहुत ज़्यादातर मेरा बर्थडे मेरा जब भी हुआ है आई एम ऑन द स्टेज कॉन्सर्ट, तो 30 तारीख को जो मेरा बर्थडे था उस टाइम मैं बाहर था, लेकिन जनरली मेरे बर्थडे के दिन कभी दिवाली पड़ जाती है, कभी धनतेरस आ जाता है, कभी हो जाता है, लेकिन बर्थडे के दिन मेरा जनरली शोज़ में रहता हूँ। सो वही होता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, और लेकिन अच्छा लग रहा कि ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद भी मेरे बर्थडे को याद रखा, मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक फील मतलब बहुत बड़ी फीलिंग है ये, मतलब कि ये बंदा किसी का बर्थडे कभी भी कर सकता है, डेट की जरूरत नहीं है, ईयर की जरूरत भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी मना सकता है, ये इतना बढ़िया खुशहाल बंदा है। दादा लास्ट ईयर आपका बर्थडे नहीं पड़ा, लास्ट वाला अभी मना ले, हमने कहा मना ले, ऐसा ही है। तो बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो मनमोहन के साथ करो, मन मन मर्जी मोहन। सर आप अपने जिंदगी के नए साल में एंटर करने वाले हैं, मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ रेजोल्यूशन बनाया आपने अगर कुछ? हाँ, मैंने सोच लिया कि आज के बाद से कल से दारू नहीं पीऊंगा, परसों से पीऊंगा परसों से पीऊंगा तो यही है मतलब, तो आज भी मैंने अभी तक कुछ हाथ हाथ नहीं लगाया, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पीता ही नहीं हूँ नहीं पीऊंगा, मतलब ना के बराबर ही है मेरा। तो रेजोल्यूशन यही है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और ब्लंट हूँ, तो हमेशा सोच रहता हूँ नहीं अब मैं इतनी सच्चाई से नहीं जीऊँगा, अब थोड़ा सा मैं झूठ बोलूँगा, होता नहीं मेरे से कि आपसे झूठ बोलना शुरू कर दूँगा, आपसे लोगों को खुश करना शुरू कर दूँगा, लेकिन मैं कभी लोगों को दुखी करता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी सच से लोग दुखी हो जाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम है, तो आज से मैं सच नहीं बोलूँगा और ईमानदारी नहीं करूँगा, परसों से करूंगा। अच्छा सर, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो अगर आप शेयर? रोज ही होता है, ये भी प्रोजेक्ट था तो किसका मालूम क्या है कल, मतलब रोज ही हर जगह जहाँ पे भी मैं कॉन्सर्ट करता हूँ, जिस स्टेज में जाता हूँ, नया शहर नई जगह नया देश, तो मेरे लिए वो मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ ऐसे चीज़ों को, मैं फिल्मों को उतना सीरियसली नहीं लेता था जितना मैं अपने स्टेज मेरे प्रोजेक्ट को, मैं मेरे लिए एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो मेरा तो अभी दिमाग में सिर्फ यही है कि इस साल नेक्स्ट ईयर मेरे दुर्गा पूजा का आप लोग सब जानते होंगे 25 सिल्वर जुबली है, मुझे ऐसा लगता है 25 साल तो मेरी उम्र नहीं हुई और इतनी जल्दी दुर्गा जी के 25 साल हो गए हमारे इधर, सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आशीर्वाद से तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा पैमाने ऐसे ही इतने बड़े पैमाने पर होता है, और उससे बड़ा क्या हो सकता है पता नहीं, दुर्गा जी के 10 हाथ हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही,
बस यही, मैं खुश हूँ। मैंने जितना भी मैंने मांगा उससे 100 गुना ज़्यादा मिला, जो नहीं मांगा वो भी मिला। तो ऐसा लगता है कि अभी भी जब भी मिलता है मुझे छप्पड़ फाड़ के भगवान देता है। कितना मैं लोगों से पंगा ले लेता हूँ, लड़ जाता हूँ, जब उसके बाद भी मेरे इतना वो, तो आई एम रियली सरप्राइज कि ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, विथ माई अचीवमेंट, एंड इतने दोस्त, इस तरह के दोस्त मेरे साथ बनते हैं कि कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ऐसे बंदे हैं जो दादा, मैंने कहा मेरा बर्थडे हो गया था, नहीं एक और कर लेंगे, अब फिर नेक्स्ट बर्थडे पता नहीं कब मनाएगा। सर, दादा को इतना अच्छा सरप्राइज दिया आपने, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्लान था? क्योंकि 6 दिन हो चुके थे, दादा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, थोड़ा सा बताइए क्या है? मत बताइए, फिर से प्लान करेंगे। फिर से बोलेंगे दादा एक नेक्स्ट वीक में एक और बर्थडे कर ले, मैरिट में कर ले। बेसिकली मैं धनवा झारखंड से हूँ, मैं करीबन ओनली 11 ईयर से मुंबई में हूँ, और तब से मैं यहाँ पे ड्राइंग टीचिंग अब तो छोड़ दिया, बट अभी मैं एज एन ऑर्गेनाइजर, आर्ट डीलर और थोड़ी पोएट्री लिखता हूँ, ये 3 काम मैं करता हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे ऑर्गेनाइजर जानते हैं, मेरी पोएट्री बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी पेंटिंग छूट गई, लता दीदी के लिए मैंने आखिरी बनाया था, उनको दिया भी था, गुलजार साहब को दिया था। तो मुझे लगता था मैं बम्बई में टिकूंगा, रोजी रोटी चलेगा कि नहीं चलेगा, बट पता नहीं कहाँ से मेरा पहला इवेंट था, नॉट देयर वाज ओनली हार्डली 7 लोग रहे होंगे। तो मंजू लोथा एंड अभिजीत भट्टाचार्य का बचपन से, मतलब उस समय से मेरा बड़ा इनका आशीर्वाद रहा है, और चलते चलते लोग जुड़ते गए, कैसे कैसे लोग आज जुड़ गए हैं, तो इनका आशीर्वाद रहा है। और मुझे याद है मेरे घर से मेरा स्कूल बहुत दूर था, हम लोग पैदल जाते थे, तो जब मैं अकेला जाता था तो इनका गाना उस समय एक रिलीज हुआ था, वो आती है रातें उड़े हुए, इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड लाइफ। उस गाने को गा करके मैं बड़ा हुआ। तो अल्लाह के इतने सारे गाने, तो जो सही मायने में सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के आपको प्रमोट करते हैं, तो उनका चरण छूने का एक मन में इच्छा होता है, तो एक हमारी एक इनको इज्जत है। यही था और कुछ नहीं था। सर ने जैसे कहा कि जो गाना सुन के वो बड़े हुए, अगर 2 लाइनें हो जाए, बहुत खराब गाना है, क्यों उससे उसको सुन के बड़े कैसे हुए? इतना दुख और मैंने डिप्रेसिंग गाना है, आती है रात उड़े हुए मौत का कफन, अरे ये सुन के क्यों? बड़ा डरावना गाना, मैं गाते टाइम में ये क्या ये है बेवफा सनम का वो, तो वो गुलशन कुमार जी का बहुत फेवरेट था, वो अताउल्ला खान कोई गाना है कफन ऊपर सुन के आप बड़े हो गए। कमाल है। कोई गाने की अगर दो, अरे छोड़ो यार ये सब, सुबह शाम वही कर रहे हैं, अभी भी वही करो, खुशी मनाओ, पार्टी करो, अभी वो क्यों करे? प्याज भी बहुत महंगा है, प्लीज जब टमाटर आ जाएंगे तब गाइएगा। थैंक यू।